एक बार पीछे लेके आइएगा अभी तो। यहाँ से जो चीज़ मैंने आपको ये रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट वोल्टेज बिल्डअप कंट्रोल, इसे एक बार रिवाइज कीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? कि बेसिकली रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर आपको कहाँ से मिलेगी? कैपेसिटर से रिएक्टिव पावर मिलेगी। अब ये तीन तरह की पावर होती है, एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर वो पावर है जो यूजफुल पावर है, जिसे आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? रिएक्टिव पावर क्या होती है? जो कि आपके इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से स्टोर की जाती है, ठीक है? और जिनकी वजह से क्या होता है, एंगल होता है, जो आप चेक करेंगे कि जो एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, वो एक्टिव पावर से 90 डिग्री या तो लैग करेगी या लीड करेगी। अपेरेंट पावर क्या होती है? इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है, ठीक है? तो यहाँ से जो इंडक्शन जनरेटर है उसे सेल्फ एक्साइटेड नहीं है, ठीक है? सेल्फ एक्साइटेड इन दी सेंस कि रोटर ऑटोमेटिकली खुद से क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकता। रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड अचीव करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नली तौर पर करना होगा, या तो प्राइम मूवर कुछ ऐसा अटैच करना होगा जिसकी जो स्पीड है वो आपकी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो उस टाइम पे आपका रोटर क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पे रोटेट करना शुरू करेगा। आफ्टर दैट जहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि रिएक्टिव पावर रोटर को प्रोवाइड कीजिए, तो जब रिएक्टिव पावर रोटर को आप प्रोवाइड करेंगे उस टाइम पे वो क्या करेगा, स्पीड अचीव करेगा विच इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, द इंडक्शन जनरेटर इज नॉट सेल्फ एक्साइटेड मशीन, देयरफॉर डेवलप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्टेड इंडक्टिव लोड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑन द लोड। द इंडक्शन जनरेटर यूजिंग द डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक फॉर द सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड और आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर। सेम थिंग आपसे पूछा जाता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एक्साइटेशन। आप ठीक है, आप सेल्फ एक्साइटेशन से क्या समझते हैं? आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन दिस सेल्फ इन थ्री फेस इंडक्शन जनरेटर, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक्साइटेशन क्या है। एक्साइटेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, या एक्सटर्नली कोई हम रिएक्टिव पावर अप्लाई करते हैं रोटर पे, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो वर्क लाइक एज ए जनरेटर करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट चलिए, द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाई द जनरेटर एंड फॉर द कनेक्टेड इंडक्टिव लोड इज सप्लाइड बाई द कैपेसिटर बैंक। टू अचीव अ गिवन वोल्टेज लेवल इन अ इंडक्शन जनरेटर द कैपेसिटर बैंक मस्ट सप्लाई द कैपेसिटर बैंक मस्ट सप्लाई द मैग्नेटाइजिंग और एक्साइटिंग करंट क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट लेवल। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द कर्व बिटवीन द वोल्टेज एंड मैग्नेटाइजिंग और कैपेसिटिव करंट विल बी लीनियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज अचीव करनी है इंडक्शन जनरेटर में, तो उस टाइम पे जो भी आपकी वोल्टेज है एंड मैग्नेटाइजिंग करंट है जो कि कैपेसिटर की वजह से है, उन दोनों के में जो एंगल है वो जीरो होना चाहिए, वो दोनों लीनियर होने चाहिए। अगर वो दोनों लीनियर होंगे उस टाइम पे जो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, इंड्यूस होगी, ठीक है? नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको तीन दो कर्व ड्रॉ की गई, विच इज बोथ आर दो तो लीनियर है। वो क्या है, एक लार्ज कैपेसिटर हमने यूज किया है, एक स्मॉल कैपेसिटर क्या किया, यूज किया। जब हम लार्ज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे वोल्टेज एंड जो करंट की वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, लार्ज मिल रही है। बट जब हम स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिल रही है, वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू ही क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ की गई है वो क्या आपको बता रही है, जैसा कि यहाँ पे द फिगर इंडिकेट दैट हाउ द वोल्टेज इज बिल्ड अप डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो वोल्टेज है वो कैसे बिल्ड होती है, डिफरेंट कैसे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस की जो वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, सेम एज चीज जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है? एट द पॉइंट पी द रिएक्टिव पावर डिमांड एट द पॉइंट पी रिएक्टिव पावर डिमांड बाई द जनरेटर इज इक्वल टू द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाई द कैपेसिटर बैंक। तो जो पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट दो पॉइंट शो किए गए हैं, पी वन एंड पी टू।
तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टिव पावर डिमांड को, ठीक है। जो भी आपकी जनरेटर की तरफ से रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो यहाँ से डिनोट की जा रही है। तो यहाँ से इक्वल किसके है, जो भी आपके रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा रही है कैपेसिटर बैंक की तरफ से, ठीक है। जितने जनरेटर को रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है उतनी ही आपकी जो कैपेसिटर बैंक है वो रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, आपके जनरेटर को प्रोवाइड कर रहा है। फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड द वोल्टेज कोलैप्स वेरी रैपिडली। तो यहाँ से जब भी आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा वहां से जो वोल्टेज है वो कलेप्स करेगी वेरी रैपिडली, मतलब टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, चेंज करती जाएगी, लैग करती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अभी हमने इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर के बारे में स्टडी किया, उसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने स्टडी की है, ठीक है। तो अभी हमने सेल्फ एक्साइटेशन क्या होती है वो भी स्टडी कर लिया, ठीक है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर आर ऑफ्टन यूज इन विंड टर्बाइन एंड स्मॉल स्टेशन ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस यूजफुल पावर एट वेरिंग रोटर स्पीड। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ पे जो रोटर की स्पीड है वो वेरी करेगी, ठीक है। वेरी इन द सेंस कि एक कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगी रोटर की, यहाँ पे वेरी करेगी। जैसे विंड टरबाइन है, वहाँ पे विंड टरबाइन में क्या हो रहा है कि आपकी जो विंड टरबाइन है वो रोटेट करेगी, वो डिपेंड करेगी टोटली विंड पे। अगर विंड चलेगी तो आपकी रोटर जो टरबाइन है वो रोटेट करेगी, अदरवाइज वो रोटेट नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी टोटली विंड पे। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपका टॉर्क है प्रायर रोटर का वो क्या है, एक कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम टू टाइम वेरी हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे टाइम टू टाइम वेरी आपको वेरिएशन मिले स्पीड में, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे इंडक्शन जनरेटर का। तो बेसिकली इसे विंड टरबाइन में ही यूज किया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर सुटेबल फॉर विंड जनरेशन स्टेशन एज इन दिस स्पीड इज ऑलवेज अ वेरिएबल फैक्टर। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल ऑटोमेटिक डायनेमिक ब्रेकिंग सच एज फॉर ब्रेकिंग पर्पस इन केस ऑफ रेलवे। तो यहाँ पे जो आपके इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर है वो ब्रेकिंग के काम में भी यूज आता है, जो भी आपके ट्रैक्शन सिस्टम होता है रेलवे में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन जनरेटर फॉर अ फिक्स्ड विंड टरबाइन सिस्टम। जैसे बेसिकली जो मोस्टली यूज कहाँ होता है, बेस्ट प्रेफर कहाँ पे किया जाता है, मोस्ट प्रेफर ये आपको विंड टरबाइन में ही किया जाता है, जो भी आपका विंड टरबाइन स्टेशन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे मोस्टली तो यहाँ पे नहीं होते, जो गुजरात साइड ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, बीचेस के पास क्या होती है, विंड काफी चलती है। तो यहाँ से ये आप लोगों ने चेक किया होगा कि यहाँ पे पंजाब में तो कहीं लगा नहीं हुआ है विंड पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं चलती हैं, जिस वजह से यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से आपको ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट भी मिल जाएगा और सोलर पावर प्लांट भी मिल जाएगा, ठीक है। मोस्टली यहाँ से ये तीन जो आपके पावर प्लांट्स हैं वही मिलेंगे, बट विंड पावर प्लांट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जिस वजह से यहाँ पे आपको इंडक्शन जनरेटर भी कम ही देखने को मिलता है, बट हम अगर आप लैब वगैरह में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी इंडक्शन मोटर है उसे लाइक एज वर्क आप काम करवा सकते हैं, लाइक एज अ इंडक्शन जनरेटर की तरह। तो इसे एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, इसे एक बार चेक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, फिर हम फर्दर टॉपिक पे चलते हैं।